चालू रखिए। यस शिव शिव शंकराय शिव 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 शंकराय शिव 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 शंकराय शिव 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 शंकराय शिव 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 ओम नमः शिवाय 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 शिव ओम शिव शिव हर 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 शिव शिव शंकराय शिव 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 ओम नमः शिवाय 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 हर ओम नमः शिवाय हर ओम हर ओम नमः शिवाय हर ओम हर हर ओम शिव हर हर शिव शिव हर ओम शिव हर ओम शिव शिव शंकर शिव 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 डम 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 रु बजे हर हर गण गण घंटा बजे डम 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 रु बजे हर हर गण गण घंटा बजे डम 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 रु बजे हर हर गण गण घंटा बजे भोलेनाथ शंभो हर हर काशीनाथ शंभो भोलेनाथ शंभो हर हर काशीनाथ शंभो भोलेनाथ शंभो हर हर काशीनाथ भोलेनाथ शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो महादेवा शंकर शिव शंकर शिव शंभो महादेवा शिव शंकर शिव शंभो महादेवा शिव शंकर शिव शंभो महादेवा शंकर शिव शंकर शिव शंभो महादेवा डम 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 रु बजे हर हर गण गण घंटा बजे भोलेनाथ शंभो काशीनाथ शंभो भोलेनाथ शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो महादेवा शिव 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 शिव
har 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 Shiva, 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 Hare Om, Hare Om, Hare Om, Hare Om, Hare 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 नाद भूषण नाद भूषण केदारेश्वर रामेश्वर हर नागेश्वर शिव हर केदारेश्वर रामेश्वर हर नागेश्वर शिव हर शिव 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 har 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 shiva 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 har 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 सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर, पानी नहीं पिएंगे, आंखें बंद कर लें, पसीना आ रहा है खूब सारा, आने दीजिए, वाइप कर सकते हैं, पानी नहीं पिएंगे, आंखें बंद, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें, फील द एनर्जी फ्लो रनिंग इन योर बॉडी, अपने शरीर में खो गए ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, कुछ नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं बदलेंगे, जैसे सांस आ रही है तेज गति से बस महसूस करें, हल्का सा सेंसेशन हाथों में पैरों में, एक बार नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ दें, और यहाँ पर एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर, पेट को फुलाएं, चेस्ट को फुलाएं, फुल योगिक ब्रीदिंग, और धीरे 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 बाहर, और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यस, कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलिए, I am very happy to see the smiley faces. नवे दिन में है आज हम, ठीक है? तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, एक बार खुद के लिए ताली बजाइए। Yes, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर किया आपने। Yes, Anaya, I like that. She is doing like this. Very nice. देखिए, बच्चों को कितना याद रहता है जो चीज हमने कल की थी, right? तो आज एक बच्चा ही बन जाए, ठीक है? जैसे बच्चे ज्यादा नहीं सोचते किसी चीज के बारे में और बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, राइट? तो प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे, बाकी सारे विचारों को अपने आने दें और जाने दें, जैसे जैसे प्रोसेस चलेगा उसके साथ बढ़ते चलेंगे, ठीक? ओके, तो पहले योगिक ब्रीदिंग का ही प्रैक्टिस करते हैं हम।
साथ में उज्जल ब्रेथ लेंगे, जो भी लोग कर सकते हैं लंबा गहरा श्वास लेंगे तो गले से घर्षण का आपको आवाज आभास होता है, ठीक है, वही होगा। आंखें बंद करेंगे और काउंटिंग के साथ करने का अभ्यास, ठीक है। अगर जो भी लोग काउंटिंग के साथ में उतना काउंटिंग तक सांस नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितना ले पा रहे हैं उतना लेंगे। आंखें बंद कर लें, एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास नाक के थ्रू लें और मुंह खोल के बाहर कर दें पहले। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास नाक से लें, मुंह से छोड़ें, आंखें बंद कर लें। एक आराम की श्वास अंदर और पूरी तरह से बाहर। एक लंबी और गहरी श्वास अंदर और पूरी तरह से खाली करें। इन उज्जय, ब्रीद इन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ब्रीद आउट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यहाँ पर 6 सेकंड तक आपको 6 काउंटिंग तक सांस लेने का प्रयास करना है, 8 काउंटिंग तक छोड़ने का। जिसकी जितनी क्षमता उतना करेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं, उज्जय ब्रेथ, सांस लें, 1 2 3 4 5 6, छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें, 2 3 4 5 6, छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें, 2 3 4 5 6, छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें, 2 3 4 5 6, छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8, breathe in, 2 3 4 5 6, breathe out, 2 3 4 5 6 7 8, breathe in, 2 3 4 5 6, breathe out, 2 3 4 5 6 7 8, breathe in, 2 3 4 5 6, breathe out, 2 3 4 5 6 7 8, breathe in, 2 3 4 5 6, breathe out, 2 3 4 5 6 7 8, breathe in, 2 3 4 5 6, breathe out, 2 3 4 5 6 7 8, breathe in, 2 3 4 5 6, breathe out, 2 3 4 5 6 7 8, breathe in, 2 3 4 5 6, breathe out, 2 3 4 5 6 7 8, and relax, आंखें बंद ही रहने दीजिए
observe your body, observe yourself, aankhe band hi rakhenge, do not open your eyes. Sharir mein hui samvednaon ko mehsoos karenge. बहुत अच्छे, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. ओके, ठीक है. आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देता है आपको, कामनेस देता है. ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी कोई चीजें नहीं आती हैं. जिनको अनिंद्रा का भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है. ठीक है, कई तरीकों से किया जाता है, हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा आगे तक उसको कर पाए. ठीक है, जब हम भ्रामरी प्राणायाम में हमिंग साउंड निकालते हैं, ठीक है, गुंजन की जब आवाज करते हैं, आपको अपना ध्यान अपने सातवें चक्र पर, अपने सर के ऊपर रखना है. ठीक है, ऑलराइट, पूरा ध्यान यहाँ पे रहेगा. आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन फील हो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. करेंगे क्या, आपकी जो पहली उंगली है हाथों की, उससे ये कान के पर्दों को बंद करना है. आंखें बंद करेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेके लाइक दिस. अब देखिए, जब ऐसे आप हाथ रखते हैं, हाथ कई बार थक जाता है, तो आप आराम से रखिए नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं. ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप अपने आपको कष्ट देके हाथों को ऐसे रखेंगे. कीप इट डाउन स्लोली और आराम से ऐसे अपने कान के पर्दों को बंद करें. ऐसे बंद करेंगे कि आपको कुछ और सुनाई नहीं दे. तो हम इसको काउंटिंग से करेंगे 11 बार तक. ठीक है, 11 बार काउंटिंग से हो जाने पर आंखें नहीं खोलेंगे, सिर्फ हाथ को नीचे ले आएंगे और हथेलियां खोल देंगे. ओके एवरीवन, आंखें बंद एंड स्टार्ट बाय योर ओन. अपना अपना आपको काउंट करना है 11 बार तक. Breathe in and out. कंटिन्यू चालू रखिए 11 टाइम्स. कंटिन्यू. कंटिन्यू चालू रखेंगे 11 बार हो जाने के बाद में हाथों को नीचे ले आए, घुटनों पर रख लें, हथेली आसमान की ओर खुली हुई हो, आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे. 11 राउंड होने के बाद हाथ नीचे, कंप्लीट योर राउंड एंड रिलैक्स योर सेल्फ. हाथों नीचे ले आए. Shankara, 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 Hara,
Chandrasekhara Hara, Chandrasekhara Hara. Shiva, he Shiva, Hara, Shashi Shekhara, Hara, Shashi Shekhara, Hara. Shashi Shekhara Hara Neelambar Har Sarp Dhara Neelambar Har Sarp Dhara Trishul Dhar Har Ganga Dhara Trishul Dhar Har Ganga Dhara Shankara, Shankara, Shankara Hara, Chandrasekhara Hara, Chandrasekhara Hara. Trishula Dhara Ganga Dhara
Shankara, 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 Hara, Chandra Shekhara. अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे लौट आएंगे। आंखें बंद ही रखें। एक बार फिर से लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। धीरे से दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में। आइए हम सब मिलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। कंधों को ढीला छोड़ें, फेस मसल्स रिलैक्स रखें और एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर
और धीरे 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 बाहर शरीर को और ढीला छोड़ें। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्त्यं न्यायेनि मार्गेनि माहि महिष गोभ्रामणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Gently rub your palm, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब करें, योग अग्नि प्रकट करें और चेहरे को ढक लें। एक बार फिर से रब करें अच्छे से और इस बार पूरे शरीर पर लगाइए, सर से लेकर पैर तक, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। Yes, कैसे हैं आप सभी? How are you all? ठीक है? All good? अच्छा चलिए हम unmute करते हैं। अगर आप अपना experience share करना चाहें तो आप कर सकते हैं। Anyone, if you want to say something, या फिर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हाँ। माँ। Yes, Anaya, say. I love song. ओके थैंक यू विक्ता। यस ममता दी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ मैं पहले तो कहना चाहूंगी नमस्ते, है ना, कोरोना ने हमें फिर से सिखा दिया नमस्ते। हाय हेलो पीछे एंड अगेन नमस्ते। तो पहला मेरा प्रश्न है कि हम नमस्ते क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जो भी हम एक्शंस करते हैं ना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है और हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। यस दैट्स वेरी ट्रू। बताइए किसको पता है? चलिए ठीक है, आप ये सोचिएगा और कल शेयर कीजिएगा, मैं अभी नहीं बताती हूँ, या फिर कल श्रद्धा मैम बताएंगी, ठीक है? शी विल एक्सप्लेन बेटर देन मी। बताइए आप, बोलिए बोलिए, आपको आंसर आता है, बताइए। Unmute yourself. I'm just attempting. हाँ मैं attempt कर रही हूँ, क्योंकि हमारे acupressure points होते हैं, so जब हम नमस्ते या कुछ उस पे करते हैं तो हमारे सारे acupressure points पे वो मतलब press होते हैं, push होते हैं, तो उससे maybe that is something जो हमारी body से लेते हैं, the one of the reasons जो आप सही हैं मैम, आप सही हैं। Very nice. Thank you. मेरा जो सेकेंड क्वेश्चन है, मेरा नाम तो सब जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पहचानते भी हैं, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे घरों में अधिकतर, मतलब अभी तो सब फ्लैट सिस्टम हो गया है, इंडिपेंडेंट हाउस खत्म होते जा रहे हैं, बट मोस्टली लोग पीपल, नीम और तुलसी के पेड़ लगाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों लगाते हैं? बच्चे जरूर जानते होंगे क्योंकि वो अभी स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें तो पता ही होगा। बताइए बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। हां जी रंजना जी, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए पीपल सीजन मिलती से पॉजिटिविटी मिलती है, प्लस ऑक्सीजन मिलता है, और ये जो हमारे आसपास के एटमोस्फेयर को भी पॉजिटिव रखता है, इसलिए इनको लगाया जाता है। यस आप सही है रंजना जी, पीपल तुलसी नीम ये 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है? और तुलसी तो मेडिसिनल प्लांट भी है, अगर आप 5 पत्ते रोज खाली पेट सुबह पानी के साथ अगर आप चबा के निगलते हैं, मैं आपको गारंटी बोलती हूँ आपको कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट आई ट्राइड ऑन माय सेल्फ। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स भी शायद यहाँ पर हैं कुछ, बट मुझे सिर्फ नाम से ही जानते हैं, ज्यादा मेरे बारे में उन्हें पता नहीं है।
सो मेरा जो रहा है बचपन से मतलब बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हूँ, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा थे काफी एक्टिव रहे हैं, तो हम लोग बचपन से ही एक्सरसाइज या जल्दी उठना, जल्दी सोना, इन सब चीजों पे फोकस रहता था। अब बचपन में बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि पापा तो 10 बजे के पहले बोलते थे सो जाओ, टीवी भी मत देखो, व्हाट इज दिस, क्यों ऐसा करते हैं। बट अब मुझे लेटर ऑन आज की डेट में ये समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि उसके मुझे बेनिफिट्स मिले हैं। सो उन्होंने हमेशा मतलब मैंने कभी भी अपने चाइल्डहुड में या मेरे विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में, या कभी भी अभी तक की जो मैंने जिंदगी जी है, मैं हमेशा 6 o'clock या उससे पहले उठती हूँ और रात में जल्दी सोई हूँ बिफोर मैरिज। बट जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरा रूटीन चेंज होने लगा अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स, है ना, कभी उनके हिसाब से जागना है, लेट नाइट सोना है। लेकिन लेटर ऑन जब मुझे मैरिड फ्रॉम लास्ट 12 years, मेरी 12 साल हो गए शादी को, तो जब मैंने पिछले 3-4 सालों में ये चीजें नोटिस की, जब मेरी बॉडी में उसके मुझे इफेक्ट दिखने लगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, आई वॉज सो डिसिप्लिन और मैंने अपना डिसिप्लिन चेंज किया, तो अगेन आई कन्वर्ट माई सेल्फ कि नहीं, अब तो मुझे एनी हाउ 10 to 10:30 सो ही जाना है कुछ भी करके। अगर किसी को कुछ काम है वो जागता रहे तो ठीक है, मेरा ड्यूटी है, मुझे खाना बनाना है, रख देना है, लेकिन मुझे सो जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से कि आप मुझे बताइए कि सबसे बेस्ट आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट्स देते होंगे, राइट, कभी किसी ओकेशन पे, कभी किसी त्योहार पे, या कभी ऐसे आप बहुत खुश हैं, आप मार्केट गए, आपने सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया, तो सबसे बेस्ट गिफ्ट आपको क्या लगता है कि आप अपने परिवार को दे सकते हैं? मैम कोट। यस, क्या दे सकते हैं? Plant. Very good, Anaya. Okay. Good. Very good. Anybody? और कोई? Yes, Sapna ji. Unmute करके बोल सकते हैं. I am thinking that अभी आप देखिए बॉडी का एज हो गया, बट माइंड से अभी आपको बच्चे ही बन जाना है. सोचिए where you are thinking कि आप क्या दे सकते हैं सबसे बेस्ट. Come on. आपको सबको पता है क्या दे सकते हो आप? Health. Yes. Health of yourself. Healthy you. You can give yourself. अगर आप healthy हैं, आपकी family automatically happy रहेगी. उनको आपकी चिंता नहीं होगी. This is the first and most important thing you can give to your family, your health, your fitness. ठीक है, अब मैं आपको share करती हूँ. मैं उसके लिए स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी मैम। यस यस कर सकते हैं दी, गो अहेड। आप अलाउ कीजिएगा मुझे। ठीक है, गो अहेड। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि सही पोस्चर और अपनी स्पाइन का ख्याल रखने कितना इम्पोर्टेंट है। बचपन से मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में या किसी भी स्कूल में बच्चों को ये इस चीज पे प्रेशर दिया जाता हो कि आपको सीधे बैठना है और आपको अपनी स्पाइन का ध्यान रखना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं उन चीजों से गुजर चुकी हूँ। और मुझे फायदा कब हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत एक्टिव रही हूँ, डिसिप्लिन रही हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करती आई हूँ, तो मुझे उसका बेनिफिट भी मिला है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे। नहीं मैम, स्क्रीन शेयर आपने अलाउ नहीं किया है। ओके, आप अलाउ कर दीजिए, अलाउ पार्टिसिपेंट सेटिंग में जाकर, आपके लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में आपका स्क्रीन होता है। यह इट्स ऑलरेडी डन। नहीं, डिसेबल्ड। अच्छा, डिसेबल्ड लिखा हुआ, आपने डिसेबल किया हुआ है। अभी चेक कीजिए एक बार। नो, आई एम नॉट एबल टू शेयर। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके पास एक आइकन होगा। या आई डिड दैट। वहां पे आप राइट का क्लिक कर दीजिए, बस स्क्रीन शेयरिंग उस पे क्लिक कर दीजिए, राइट का
साइन आना चाहिए. अभी प्लीज मीटिंग मत छोड़िएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग अपनी लाइफ की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. फॉर जस्ट इसलिए कि आप लोग उससे लर्निंग लें. नहीं, आई एम नॉट एबल टू शेयर. मैम, स्क्रीन शेयर का जो ऑप्शन होता है वहां पे एक एरो भी बना हुआ आएगा, वहां पे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको. इट्स ऑलरेडी डन फ्रॉम माय एंड, क्यों नहीं शो रहा है? आप मुझे होस्ट बना दीजिए. आई विल शेयर देन. मेक मी होस्ट. वन सेकंड. ओके, गो. यस, यू कैन शेयर नाउ. See, is it visible? Picture of a spine? Okay. Yes. So, dear all, देख रहे हैं आप आपके spine कैसा होता है अंदर से? यहाँ पे proper gap होता है, देखिए हर चीज में. ठीक है, आप ये देखिए, ये this is the shape of your spine. अब ये जो reason होता है lumbar and sacral reason, इसके बीच में मुझे क्या problem हुई है? ये जो gap होता है, ये सब यहाँ पे सब जगह देखिए बराबर सा है, equal gap है, लेकिन मेरी जो spine है यहाँ पे आके एकदम वो साथ में आ गए हैं, एकदम चिपक गए हैं, और यहाँ lumbar के आसपास ज्यादा गैप हो गया, डिस्टेंस हो गया उनमें मेंटेन. अब उसकी वजह से क्या होता है, मुझे स्लिप डिस्क तो नहीं हुआ, वो हो सकता था, बट रेगुलर एक्सरसाइज और योगा और प्राणायाम की वजह से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे वहां पे पेन हुआ और मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है. अब ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, उसके लिए भी मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं. मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं? क्योंकि बचपन में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मतलब हमें बहुत ज्यादा दूर से पानी लेकर आना पड़ता था, तो मैंने बहुत बड़े बड़े बर्तन उठाए भारी 8-9-10 साल की एज में. ठीक है, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने भी कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, किसी ने ध्यान नहीं दिया. ठीक है, मैं धीरे धीरे, वो तो ठीक है, हम बड़े हो गए. 3-4 साल पहले मेरे एक्सीडेंट हुए, 2 बार मैं गाड़ी से गिरी, तो स्पाइन के ऐसे में गिरी. एक बार मैं गिरी तो मैं राइट शोल्डर और इस तरफ के एरिया पे गिरी, एक तरफ में गिरी तो सीधे गिरी, मगर मैंने हेलमेट पहना हुआ था. दैट इज माय मतलब इम्पॉर्टेंट हैबिट जो आपको भी फॉलो करनी चाहिए कि मैं हमेशा हेलमेट पहनती हूँ. तो मेरे सर बच गया, मैं ऐसे गिरी थी तो मैं सेफ थी. फिर मैं एक बार सीढ़ियों से फिसली, तो वो भी मैं स्पाइन की तरफ से ही फिसली, सीढ़ियों पर मेरी स्पाइन पूरी रगड़ती हुई नीचे गई. ये हुआ मेरे साथ 3-4 साल पहले, लेकिन उसके बाद ठीक है, नॉर्मल था, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज का एक बेनिफिट है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन हियर, बस मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कहीं भी करते हो, आप खुद करते हो, कहीं जाते हो, किसी से सीखते हो, लेकिन आपको कभी फ्रैक्चर नहीं होगा. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. तो ये मेरे साथ हुआ और अभी भी ये प्रॉब्लम है. अब पिछले साल 7-8 महीने पहले मैंने एक्सरे कराया तो मुझे अपनी स्पाइन की वो कंडीशन दिखाई दी. आई डोंट हैव राइट नाउ पिक्चर ऑफ एक्सरे, नहीं तो मैं अभी वो भी शेयर करती तो आपको पता चलता कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक नॉर्मल स्पाइन में क्या होता है, मेरी स्पाइन में क्या प्रॉब्लम है. बट आई कैन हील दैट पेन थ्रू योगा एंड प्राणायाम. और मैं देखिए अभी कितनी देर से आपके सामने बैठी हुई हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं योगा भी रोज करती हूँ और दे कैन नॉट जज कि मुझे ये प्रॉब्लम है. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्या होता है ना, जैसे बर्थ और डेथ के बीच में हमारे पास चॉइस होती है, चॉइस टू बी हैप्पी, चॉइस टू बी हेल्दी एंड चॉइस टू बी पॉजिटिव. तो ये मेरी अभी तक की जर्नी है. आई एम 41 ईयर्स ओल्ड एट फ्रंट ऑफ यू और बहुत ज्यादा मैंने ऐसी संघर्ष वाला जीवन देखा है, हर तरह से बट I am
मतलब फीलिंग वेरी कंटेंटेड मींस वेरी सेटिस्फाइड, मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है अपनी लाइफ से, नेवर। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी कोई चीज अपनाएं अपनी लाइफ में। और रियली आई लॉस्ट माई पेरेंट्स वेरी अर्ली, माई मदर एंड माई फादर आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज। सो दिस इज ऑल। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ, हैप्पी फिट एंड हेल्दी योर बॉडी। तो दिस बॉडी का एज होता है, मन का नहीं होता है, ठीक है। सो बॉडी का एज हो रहा है तो बॉडी का ध्यान रखना है अपने लिए, अपने अपनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू दी, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कितना इम्पोर्टेंस है। पिछले 9 दिनों से हम सीख रहे हैं और इतने सारे एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों ने सुने हैं। ठीक है, योग में शक्ति है, प्राणायाम में है, मेडिटेशन में है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडीज को आप संभाल सकते हैं। ओके, ठीक है। किसी और को कुछ शेयर करना है यहाँ पर? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? राइट, चलिए तो यहाँ पे अभी हम विदा लेते हैं आप सब से। और कल के लिए ध्यान रखिएगा कि एक पट्टी आपने रखनी है, ठीक है, फॉर ब्लाइंड फोल्ड सेशन। थैंक यू सो वेरी मच। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।